नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस, लॉकडाउन, कोरोना वैक्सीन, त्योहारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले चला गया है, लेकिन वायरस नहीं गया है। चलिए आपको पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें बताते हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही हमारी खुशियों को कम कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना बंद कर दिया है, ये ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। मैं आज मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीयों के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर्स, नर्स इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। भारत में जब से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई है, तब से प्रधानमंत्री 6 बार राष्ट्र के नाम संदेश जारी कर चुके हैं। मंगलवार को उनका 7वां राष्ट्र के नाम संबोधन था। मार्च महीने में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और 19 मार्च को उन्होंने लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ का नारा दिया था। अपने इस संबोधन में उन्होंने 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया था। उन्होंने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।